से घूम के हचकिच गाड़ी से वापस ये यहाँ पे यही रोड जा रही है, पुल पुल लगेगा, पुल क्रॉस करके हचकिच को गाड़ी से होते हुए फिर ये रोड वापस। सर सुरनकोट एक रोड डाट है इस बार ये रह गया था पहले लेफ्ट रोड था, ये धनबाद साहब की कोशिश से भी ये हुआ, तो ये फ्रेश कटिंग हुई है 3 किलोमीटर में। अच्छा अब मोड़ा बिछाई वालों को अगर जो उनको जाना है तो उनके लिए टर्म दैज अपग्रेडेशन, बट उसके चुंगे में इन्होंने आप नहीं रहा था तो अगर रोड बना दी। अगर ये कर लिए ये इंजन देंगे हम प्रोसीडिंग इनिशिएट, इनके पास पैसे नहीं आएंगे तो हम प्रोसीडिंग इनिशिएट। सर ये न्यू कटिंग थी यहाँ पर 5-5 लाख रुपए मरला जगह है, लोग देते नहीं कि मकान भी उसकी जान में आ गई मरला यार। आज ऑनगोइंग कामों की प्रोग्रेस चेक करने के लिए और लोगों की क्या इश्यूज हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब ने, मैंने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने आज बहुत एक्सटेंसिव टूर जो है वो किया है, जिसमें लठूंग से लेके मोड़ा बिछाई होते हुए हम हाड़ी डोडी तक जो है रजाड़ा तक हम गए और हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग जो है उसमें विजिट किया, जिसमें वहां के रास्ते की जो रोड का इशू है, वहां पे जो स्टाफ का और बिल्डिंग का इशू है वो सारा स्टेटस उसका काम, क्योंकि बहुत डिले हुआ था, शुरू नहीं हुआ तो आंसपार जो है वो वहां डायरेक्शंस दी गई डिपार्टमेंट को, डेडलाइन तय की कि इस अरसे के अंदर जो है ये काम होना है। उसके अलावा वहां लोगों के जगह जगह आड़ी में जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं उनको डिस्कस करके वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। और फिर क्योंकि हमने जो ईदगाह रजाड़ा जो रोड है नबार्ड की, उसकी ऑनगोइंग वर्क जो है उसकी इंस्पेक्शन की, और जो टिंडार नाला से रजाड़ा, क्योंकि वहां रोड मुकम्मल नहीं हुई थी तो नबार्ड की रोड जो है वहां खत्म हो गई थी, उसके अलावा आगे क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए सीएसआर के अंडर डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है और हमने आज वहां काम शुरू करवाया और ताकि रजाड़ा तक रोड पहुंचे, डोडी रजाड़ा रोड की डिस्कशन हुई, फिर पीएचसी मरहोट जो है उसमें विजिट किया हॉस्पिटल में शाम को इंस्पेक्शन के लिए, वहां मेडिसिन का क्या स्टेटस है, लैब्स में टेस्ट के क्या स्टेटस है और उसके अलावा हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें जो है वो आज चेक की और डिपार्टमेंट्स को भी ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी। तो ये एक मुझे उम्मीद है, इसके अलावा भी कई ऑनगोइंग वर्क जो है वो हमने रास्ते में इंस्पेक्शन की, जैसे सोशल वेलफेयर की बात करें आजकल जो है पेंशंस काफी सारी लोगों की रुकी गई, उस हवाले से भी कोई बात हुई? बिल्कुल, लोगों ने रास्ते में जब इंटरेक्शन की डिप्टी कमिश्नर साहब से, आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने दौरा किया, उनके हमरा डीडीसी मेंबर सोनकोटे शारमा चौधरी जी भी थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन सोनकोट भी थी, और इसमें जो है पीआरआईज ने भी अपनी अपनी पंचायत की जितनी परेशानियां थी वो बताई और डीडीसी मेंबर सोनकोट ने डिटेल में जितनी भी दिक्कत परेशानियां लोगों की थी, जिसमें जल मिशन में जो सुस्त रवि का शिकार हमारे काम थे पानी के मतलब वो भी चीजें जो है सामने लाएंगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ के, और साथ साथ में पीएससी हाड़ी मरोड का दौरा किया गया, वहां पे अद्वियात जो कम मिलती है लोगों को वो भी जो है डायरेक्शन दी गई है बीएमओ सोनकोट को के वहां पे दवाई जो है वो टाइम टू टाइम वहां पर अवेल की जाए लोगों को। इसके अलावा जो अपग्रेडेशन ऑफ पीएससी थी उसमें मैंने भी ये मुतालबा किया है कि मेरी पीएससी जो है ये मेरी पंचायत में है और इसमें जो है अपग्रेड किया जाए इसको, और इसके साथ साथ में और ज्यादा परेशानियां भी थी, जैसे ईदगाह ब्रिज जो हमारा भी काफी लेट हो रहा है जिसके कारण वहां पे हमें परेशानी होती है हमारे लोगों को 10-12 पंचायतों को, एक तो वो सड़क के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएगा पीएमजीएसवाई और नबार्ड की जो सड़कें हैं, तो इस मतलब भी हमने कहा कि जल्द से जल्द जो है ये ब्रिज बनाया जाए। इसके अलावा हमारा रिसीविंग सेंटर जो बिजली का है मोड़ा बिछाई में बन रहा है, उसकी भी हमने मांग की कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल किया जाए, और डीटीसी शर्मा चौधरी ने डिटेल में सारे जितने भी प्रोजेक्ट खामोशी में है इस वक्त उनको जो है जल्द स्टार्ट करने और इस पर जल्द से जल्द काम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुतालबा किया, और डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने एडमिनिस्ट्रेशन खास
तौर पर कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द ये टेक अप किए जाए और ये काम फाइनलाइज किए जाए विद इन वीक, और पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन कामों को मुकम्मल करने की यकीन दानी करवाई है। इस मौका पर तमाम सरपंचीज हजरात ने और DDC मेंबर सुरनकोट ने जो है डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। यहाँ से रजाड़ा तक है ये लगभग 4 किलोमीटर यहाँ से रजाड़ा। सो द पॉइंट वेयर यू वांट 1 किलोमीटर सर, ये इसके हिसाब मानना तू, ये सिर्फ रजाड़ा के आगे आगे जो है ना, यू वांट वाइडनिंग मतलब वाइडनिंग भी प्रॉपर हो जाए, ग्रेड भी नहीं है गाड़ी पीछे सर, वो पुल ही नहीं है ग्रेड, इसलिए 1 किलोमीटर यहाँ तक हो जाए। यहाँ से आगे प्लेन है, यहाँ से गाड़ी आज भी यहाँ से आगे आराम से जा सकती है। एक तो जो ये जो टेरेन है ये पतला छोटा है, इसमें सर 1 किलोमीटर रोड फुल एग्जॉस्ट तो यहाँ से आगे, क्योंकि फिर रोड ठीक है।